हे दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी के लिए जिनको एक मेक इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए होता है। दोस्तों ये कौन सा स्मार्टफोन है? तो यह है लावा का ब्लेज 2 5G। दोस्तों मुझे इस फोन को चलाते हुए लगभग 1 महीने के करीब हो चुका है। जैसा सब लोग बोल रहे हैं एक सस्ता ये बेस्ट 5G फोन है, तो जो सब लोग बोल रहे हैं क्या उसमें कितनी सच्चाई है और जो जो इसमें कंपनी दे रही है क्या एक्चुअली आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों ये जैसे मैंने बताया आपको 10,000 रुपए से भी नीचे का स्मार्टफोन है और इसमें आपको 5G मिलने वाला है। उसके साथ में इसमें 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। इसका डिजाइन काफी आपको पसंद आने वाला है और सबसे अच्छी बात जो दोस्तों मेरे को लावा के फोनों में लगती है कि आपको इस प्राइस में भी पीछे की तरफ आपको ग्लास पैक मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कैसा फोन है, कैसा इसमें बैटरी बैकअप मिलता है, सब कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूं, क्यों ये आपको लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसकी अच्छाइयों की, जो जो मुझे इसमें अच्छी लगी है 1 महीने में चलाने के बाद में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन लावा ने इस बार कुछ हटके रखा है जो कि बिल्कुल बोलना पड़ेगा दोस्तों काफी प्रीमियम इसको बना देता है। दोस्तों ये जो डिजाइन है आप ये मानिए, जब तक आप प्राइस किसी को सामने वाले को बताते नहीं तब तक उसको देखने में यही फोन यही लगने वाला है कि काफी प्रीमियम स्मार्टफोन है। दोस्तों इसमें जो पीछे की तरफ आपको गोल सा इसमें कैमरे का डिजाइन मिलने वाला है, ये देखने में इस फोन को काफी प्रीमियम बना देता है। अपने जितने भी स्मार्टफोन है लावा के उसमें से कुछ हटके आप लोग को इसमें डिजाइन मिलने वाला है जो कि काफी पसंद आने वाला है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो जैसे मैंने बताया आपको ग्लास बैक मिलने वाला है जिससे ये फोन और भी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। चाहे आप इसको देखो चाहे आप इसको टच करो, फील करने में भी बिल्कुल आपको प्रीमियम स्मार्टफोन लगेगा। दोस्तों ये 200 ग्राम से ऊपर का स्मार्टफोन है, आप काफी टाइम भी अगर इस फोन को चलाते हो तो आपको इतना भी भारी स्मार्टफोन नहीं लगने वाला है चलाने में। चाहे भले से आप काफी लंबे टाइम तक इसमें गेमिंग भी करते हो तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 200 ग्राम या उससे ऊपर का कोई स्मार्टफोन चला रहे हो। तो ये बोलूंगा दोस्तों इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपनी ने काफी अच्छा दिया है। अब दोस्तों इसमें जो और अच्छी चीज लगी है मेरे को वो लगी है दोस्तों इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। आपको इसमें HD+ डिस्प्ले मिलती है जो कि दोस्तों अगर आप इसमें YouTube पे कंटेंट देखते हो आपको इसमें 2K तक का वीडियो का सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ में आपको इसमें आपको वाइड वर्ल्ड L1 का भी सपोर्ट मिलता है। आप अगर Netflix पे कोई कंटेंट देखते हो या इसी टाइप आप किसी भी OTT ऐप पे आप कंटेंट देखते हो तो आप फुल HD तक इसमें देख सकते हो बहुत ही अच्छे कलरों के साथ में। पर दोस्तों थोड़ा यहां पे कंपनी ने पैसे बचाए वो है डिस्प्ले में। आपको इसमें IPS LCD डिस्प्ले ही मिलती है, ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है। यहां पे थोड़ा सा कंपनी ने पैसे बचाए पर अगर उस चीज को आप छोड़ देते हो तो ये बोलूंगा दोस्तों आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया मिलती है। जैसे मैंने बताया दोस्तों फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आती है और अगर इस फोन को आप बाहर भी यूज करते हो तो जिसको जैसे ज्यादा दिक्कत रहती है दोस्तों ब्राइटनेस की तो आपको काफी ब्राइट आपको ये फोन मिलने वाला है। ये तो नहीं बोलूंगा दोस्तों 1200 या 2000 निट्स की ब्राइटनेस जितना मिलेगा पर हां आपका काफी अगर अच्छी लाइट में भी आप इसको यूज करते हो, धूप में भी अगर आप इस फोन को यूज करते हो तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्राइटनेस इस फोन की काफी अच्छी मिलने वाली है। मैं नंबर किसी के इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों नंबर एक अलग चीज होती है और एक्चुअली में आप यूज जब करते हो तो वो चीज एक अलग होती है। तो जो मैं यूज कर रहा हूं जो मेरे को चीजें लगी हैं वो चीज मैं बिना नंबर के आपको बता रहा हूं। और दोस्तों जैसे कि बताया गया ये 5G स्मार्टफोन है तो मैंने इसके 5G टेस्ट करा है। तो दोस्तों इसमें स्पीड भी आपको इस फोन में काफी अच्छी खासी मिलने वाली है। दोस्तों इसमें नेटवर्क भी जो है वो भी काफी अच्छे मिलते हैं, नेटवर्क की भी आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। और जैसे मैंने बताया आपको 5G जहां अच्छे खासा चलता है तो इसकी 5G की स्पीड भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों मैंने इसका वाईफाई भी टेस्ट करके देखा है, वाईफाई की स्पीड भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। ये सब चीजें जो इसमें आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। उसके साथ में आपको इसमें जो कैमरा सेटिंग मिलती है, जैसे दोस्तों आजकल सोशल मीडिया इतना चल रहा है, YouTube पे है दोस्तों, Instagram है, Facebook है, इस पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली, काफी सारे आपको इसमें फिल्टर मिलने वाले, काफी सारे दोस्तों इसमें नाइट मोड मिलने वाला है, ऐसी चीजें जो कि आपके आगे जाके काम आने वाली है। अब बात करें दोस्तों इसका कैमरा, तो कैमरा बोलूंगा दोस्तों इस प्राइस में आपको इतना बेटर नहीं मिलेगा। मैंने इसकी नाइट फोटो भी ली है, डे फोटो भी ली है, इतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं इसकी एक कैमरा रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं जो बताने वाली है। अगर मैं ये सारी चीजें कैमरे की इसी में बता देता हूँ वीडियो में तो ये काफी लंबी हो जाएगी तो फिर इतना दोस्तों बोरियत हो जाती है। तो इसलिए मैं जो इसमें बेसिक चीजें वही बता रहा हूँ। इसमें कैमरा डिटेल जो है मैं एक कल आपको वीडियो लेकर आऊंगा, इसका कैमरा टेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा इसका कैमरा आपको कैसा मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर की वो कैसा है, तो MediaTek का Dimensity 1680 आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G प्रोसेसर है। अब उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें 3.5 से 4 लाख तक के एंटूतु स्कोर मिलते हैं। अगर आप इसमें लंबे टाइम तक भी गेमिंग करते हो तो आप मीडियम ग्राफिक में बहुत ही लंबे टाइम तक आप इसमें गेम कर सकते हो, खेल सकते हो। मैंने दोस्तों इसमें नॉन स्टॉप
तीन तीन घंटे भी इसमें गेम खेल के देखा है, जो कि दोस्तों बिना लैग करे, पर ये बोलूंगा दोस्तों मीडियम ग्राफिक में, आप हाई ग्राफिक में नहीं खेल पाओगे और ज्यादा देर ये फोन चला भी नहीं पाएगा। तो मीडियम ग्राफिक में आप काफी लंबे टाइम तक भी इसमें गेमिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे से। पर दोस्तों थोड़ा सा जो है ये फोन हीट होता है, पर उस वजह से ये नहीं होगा इस फोन में कि आपके गेम ही नहीं खेल पाओगे आप या फिर गेम में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, स्मूथली चलेगा। पर हल्का जैसा सारे फोन गर्म होते वैसे ही ये फोन होगा। पर हाँ, और बताएं दोस्तों इसमें मल्टीटास्किंग वो कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों इसमें मैंने वीडियो भी रेंडरिंग करके देखी है, सब चीजें करके देखी, वो भी मैं बोलूंगा दोस्तों एचडी तक मैंने वीडियो रेंडरिंग करके देखी है, अच्छे से होती है मल्टीटास्किंग भी, अगर आप एक लेवल तक करते हो तो भी वो आराम से ये फोन झेलने वाला है, अच्छे से चलने वाला है। पर फिर भी बोलूंगा दोस्तों ये जो फोन है इसका जो प्रोसेसर है इतना भी कैपेबल नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा अगर इससे एक्सपेक्ट करोगे तो इतना ज्यादा आपको इसका परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा। अगर आप ट्रूली गेमर हो, गेमिंग के लिए ये डिवाइस लेना चाह रहे हो 10,000 रुपए में, तो दोस्तों इतना आपको ये अच्छा फोन नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल गेमिंग करते हो, तब ये आपके लिए फोन काफी बढ़िया रहने वाला है। अब बताएं दोस्तों इसमें बैटरी बैकअप वो कितना मिलता है, तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मेरे को दोस्तों 2 दिन आराम से फोन चल गया था। मैं बहुत हैवीली यूज नहीं करा इसको, मैंने एक ही दिन इसको हैवीली यूज करा है इसका बैटरी टेस्ट करने के लिए, तब भी मेरा आराम से पूरा दिन चल गया था। पर एक जो नॉर्मल यूजर हो, अगर उस टाइप से आप इस फोन को चलाते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो फोन ज्यादातर जो लोग लेने वाले हैं वो एक नॉर्मल यूजर ही लेने वाले हैं, तो दोस्तों ये फोन आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है, जो कि मैं बोलूंगा काफी बढ़िया है। और दोस्तों इसमें अगर चार्जिंग टाइम बताऊं, तो चार्जिंग टाइम आपको इसमें लगभग आपको 2 घंटे से ऊपर का ही लगने वाला है इस फोन को चार्ज करने में। एक चीज कंपनी ने बहुत अच्छी करी है कि दोस्तों इसमें टाइप सी पोर्ट दिया है, तो इसमें अगर आप कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल अपनी सरकार का भी और सभी का दोस्तों ये है कि जितने भी फोन या जितने भी डिवाइस निकाल रहे हैं वो टाइप सी पे होने चाहिए, तो कंपनी ने इस पे ध्यान दिया है, आपको 10,000 रुपए में इसमें टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है, जिससे दोस्तों इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यही इसका माइक्रो यूएसबी चार्जर होता तो दोस्तों ये लगभग 3 घंटे से भी ऊपर लेता फोन चार्ज होने में। तो ये बोलूंगा दोस्तों आपको 2 घंटे जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा भी नहीं होते, पर अगर एक फास्ट चार्जर आप इसके लिए सोच रहे होगे तो इतना भी ज्यादा इसमें नहीं मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों अगर आप ये लेते हो, तो मैं एक चीज हाईली आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ये बहुत स्लिपरी फोन है, क्योंकि इसमें आप देखिए इसमें जैसे ग्लास पैक मिलता है, सोफे पे रखते हो, किसी भी ऐसी चीज पे रखते हो जिसमें थोड़ा भी ढाल हो तो दोस्तों ये वहां से गिरना शुरू कर देता है। तो एक चीज आप इसमें ध्यान रखना कि अगर आप ये वाला फोन ले रहे हो तो इसके साथ भी आपको इसमें केस मिलने वाला है, तो केस जरूर से आप लगाइएगा। तो दोस्तों ये बोलूंगा अगर आप एक 5G फोन देख रहे हो, खासकर एक मेक इन इंडिया स्मार्टफोन देख रहे हो, तो ये आपके लिए डिसीजन काफी बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 5G फोन देख रहे हो तो आपको 5G की स्पीड अच्छी चाहिए हो तो वो आपको इसमें अच्छी खासी मिलने वाली है। दूसरा इसमें दोस्तों नेटवर्क काफी अच्छे आपको मिलने वाले हैं, ब्लूटूथ वाईफाई वो सबका दोस्तों ओवरऑल जो चीजें हैं वो सब कुछ आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल यूजर हो आपको 2 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिलने वाला है, पर हाँ चार्जिंग टाइम दोस्तों आज के हिसाब से थोड़ी बहुत आपको इतनी फास्ट नहीं मिलने वाली है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों कैमरे में बोलूंगा आपको फंक्शन जैसे मैंने बताया था चीजें बहुत सारी मिलने वाली है, पर अगर उसकी परफॉर्मेंस के लिए बोले तो इतनी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, जिससे दोस्तों आपको स्किन टोन वो इतना अच्छा ये फोन नहीं निकाल के देने वाला है। स्किन टोन में थोड़ा दोस्तों आपको ऐसा लगेगा ये कि अपनी तरफ से कलर ऐड कर रहा है और ना इतनी शार्पनेस मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला फोन लेना है तो मैं इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस फोन को ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।